नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार के आज के अपडेट में आपका बहुत स्वागत है आपके वीडियो में। और आपको सभी जानकारी देते चल रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के धाम की। और बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी परम पूज्य वो पहुंच गए महाराष्ट्र नागपुर के कथा में। और धाम पे जो जानकारी अभी दी गई है वो भी आपको बताता चलें। और बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा है अगली कथा भी जल्दी से आपको बता देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और बताते चलें बागेश्वर धाम सरकार का, आप हमारे बैकग्राउंड के पीछे देख रहे होगे ये बागेश्वर धाम सरकार के पीछे आरती कैसे होती है आप देख सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जब नहीं होते हैं तो भी आरती बागेश्वर धाम सरकार के सामने भी ऐसी होती है और पीछे भी ऐसी ही होती है। जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं, बागेश्वर धाम सरकार के सामने भी ऐसी आरती होती थी। और बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी नहीं होते हैं धाम पे तो भी ऐसी ही आरती होती है। और एक और विशेष सूचना, बागेश्वर धाम सरकार जब कथा में जाते हैं तो सभी भक्तों को सूचना दी जाती है कि जो अपने मरीजों को लेकर आए ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो वो अपने घर को ले जाएँ क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ रही है। और महाराज जी का जो दरबार है अभी विराम है, वो कथा के लिए बाहर गए हैं महाराष्ट्र में। जैसे महाराज जाएंगे तब आप ला सकते हैं। और जो ज़्यादा मरीज है या चल नहीं पाता है तो उनका आप फोटो जमा कर सकते हैं कार्यालय में। ये सब जानकारी देते हैं बागेश्वर धाम सरकार के राम दरबार से अनाउंसमेंट होता है आरती के समय भी और आरती के बीच भी। जो भी भक्त अपने परिजनों को साथ लेकर आए, जो रोगी हैं, बीमार हैं या चल नहीं पाते हैं या ज़्यादा स्थिति बेकार है तो आप उनके फोटो जमा कर सकते हैं, उनको घर ले जा सकते हैं। देखिए बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार अभी विराम है और ये 11 तारीख तक जो भी कथा है महाराष्ट्र की उसी के बाद आएंगे महाराज, उसी के बाद दिव्य दरबार लगेगा। ये सब जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब दी जाती है। और देखिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब है तो ज़्यादा तबीयत खराब है तो आप धाम पे न ले जाएं, उनको घर ही रखें और घर से ही आप उनका फोटो खींच के ले जाएं और बागेश्वर धाम सरकार के कार्यालय में जमा कर दें, उनकी अर्जी लग जाएगी और वहाँ से उनके ऊपर कृपा हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और सभी अपडेट देते रहेंगे बागेश्वर धाम सरकार के। जय।